खेड़ा जी, फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतनी ही बुरी सरकार चला रहे हैं, अगर इतना ही सच छुपा रहे हैं, तो दो बार जनादेश इतना बहुमत वाला कैसे मिल गया? और सिर्फ लोकसभा के दो बार नहीं, आप कई राज्यों के भी चुनाव देख लीजिए, वहां मोदी जी जाते हैं तो कुछ रुख बदल जाता है, जनता जुड़ जाती है, क्या ये भी एक मिथ्या है? और दूसरी तरफ आप 21 पार्टियों को जोड़ने की रेस में हैं और कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कोई भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा, साहब बादशाह सलामत दो बार चुनाव जीत गए, मतलब हम जो भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, न पेट्रोल की कीमत बढ़ी, न डीजल की कीमत बढ़ी, न लाखों लोग कोविड में मरे, न महंगाई बढ़ी, न बेरोजगारी बढ़ी, हमको हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। मीडिया का तो हो ही गया लगभग, विपक्ष को भी चुप हो जाना है क्योंकि मोदी जी दो बार चुनाव जीत गए। तो साहब कांग्रेस पार्टी तो इस देश में जितने लोकसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती, तो साहब सबसे ज्यादा चुनाव तो राज्यों में भी कांग्रेस ही जीतती आई है पिछले 70 सालों में। तो आज के बाद नविका कुमार हमें वादा कर दें और मोदी जी के बिहाफ पर भी मीडिया हमें वादा कर दे कि न नेहरू जी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, न इंदिरा गांधी के खिलाफ, न लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, न राजीव गांधी के खिलाफ, न नरसिम्हा राव के खिलाफ, न मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, इनमें से अब किसी के भी खिलाफ एक शब्द भारतीय जनता पार्टी या नविका कुमार नहीं बोलेगी। हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी घर बैठ जाएंगे, चला दीजिए अब मीडिया से लोकतंत्र अपना, ऐसे थोड़ा ही चलता है लोकतंत्र। चुनाव जीत गए तो हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए, नोटबंदी भी सही है, कोविड में कोई मरा ही नहीं क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत गए। जनाब हम लोग भी चुनाव जीत कर ही सरकारें बनाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी दो बार चुनाव जीत कर ही सरकार बनाए थे, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें चुनाव जीत कर ही आती थी, कोई इंपोर्टेड नहीं थे हम लोग, कोई स्वर्ग से नहीं सीधा प्लांट कर दिए कि साहब जाओ सरकार बनाओ।